गुड मॉर्निंग स्टूडेंट एंड सर्वोदय नमस्कार। इस क्लास में हम लोग पढ़े हैं कैसे हम लोग एक्सेल में कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे, कैसे कैलकुलेट करते हैं डाटा को। ठीक है, इससे पहले वाले क्लास में मैंने डाटा इंटर करना सिखाया था आपको, और इस वाले क्लास में हम लोग क्या सीखेंगे कि कैसे डाटा को आप इंटर तो कर लिए, अब उसको कैलकुलेशन कैसे करते हैं, न्यूमेरिकल डाटा का कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो हम लोग को पता है कि इसमें पहले से भी एक्सेल में इनबिल्ट फार्मूला आता है, और हम लोग पहले से बना हुआ उसमें इंसर्ट किया हुआ था फंक्शन में, और हम लोग आप खुद से भी बना सकते हैं। अगर आपको आता है बनाने तो हम लोग खुद से भी फार्मूला बना के यूज कर सकते हैं। तो फार्मूला बनाना बहुत ईजी है और वही हम लोग सीखेंगे। ठीक है, देखिए मान लीजिए ये आपका एक्सेल टेबल है, A1, A2, A1, B1, B, C, D, E, ये आपका कॉलम है और ये आपका रो है। ठीक है, A1 में 4 है, B1 में 5 है, C1 में 6 है, ये आपको पता है। A2 में कितना है, 7 है, B2 में 8 है, C2 में 9 है। तो रो वाइज कॉलम आप डिफाइन कर सकते हैं कि इसमें कैसे कैसे होगा। तो ये डाटा आपका एक्सेल में प्रेजेंट है। अब हम चाह रहे हैं कि सभी को सम कर लें, क्या कर लें, सम कर लें, ऐड कर लें। ठीक है, एडिंग ही करना है आपको, ऐड कर लें। ठीक है, तो क्या करेंगे, मान लीजिए इसका है तो हम लोग इस सेल में इसका ऐड चाह रहे हैं, टोटल का ऐड इस सेल में हम लोग चाह रहे हैं। यहाँ से क्या करेंगे, पहले सेलेक्ट कर लें, क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे ब्लिंक करेगा आपका कर्सर, ब्लिंक करने लगा पॉइंटर। ब्लिंक करने के बाद क्या होगा, कोई भी फॉर्मूला जब स्टार्ट होता है तो वो इक्वल साइन से स्टार्ट होता है। क्या होता है, इक्वल साइन से आपका फॉर्मूला कैसे स्टार्ट होता है, इक्वल साइन से। ठीक है, अब हमको देखना है कि डाटा को हमको ऐड करना है, ए से लेकर सी तक इस डाटा को, कॉलम के डाटा को ऐड करना है डी में। तो स्टार्ट किसे करेंगे, इक्वल से A1 क्या लिखेंगे, कॉलम एड्रेस। कॉलम एड्रेस क्या है इसका, A1 सॉरी सेल एड्रेस, सेल एड्रेस क्या है इसका, A1 प्लस B1 प्लस C1 प्लस D1। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे डी सेल में, यहाँ छोटा जगह सेल छोटा है इसलिए हम लोग टाइप कर रहे हैं बाहर। कंप्यूटर में आप टाइप कीजिएगा तो वो ऑटोमेटिक स्पेस भरते जाएगा। ठीक है, वहाँ पर छोटा जगह नहीं होता। तो हमको ऐड किसे करना था, A1 B1 C1 D1 को C1 तक ऐड करना था। ठीक है, तो हमने C1 तक लिख लिया, फॉर्मूला बन गया। और जैसे ही आप इंटर प्रेस कीजिएगा तो इसका ऐड कितना ऐड हो जाएगा, 4 + 5 + 6 = 15, कितना रहेगा यहाँ पर, 15 आपका आ जाएगा। ठीक है, आपको फिर से करना होगा, नीचे वाले करना है तो फिर से टाइप करना होगा, तो इसके लिए भी जगह बचेगा। क्या करेंगे, इंटर प्रेस नहीं करेंगे, इतना हमने लिख लिया इसमें और इंटर प्रेस नहीं करेंगे। इसको हम लोग बोलते हैं सेल एड्रेस, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, सेल एड्रेस, क्या बोलते हैं इस पूरे को, सेल एड्रेस। और ये सब क्या बोलते हैं, प्लस वाले क्या बोलेंगे, अर्थमेटिक ऑपरेटर, क्या बोलेंगे इसको, अर्थमेटिक ऑपरेटर। देखिए आपका अर्थमेटिक ऑपरेटर चेंज होते रहता है, आपको ऐड करना तो ऐड का यूज करेंगे, माइनस करना तो माइनस यूज करेंगे, मल्टीप्लाई करना तो मल्टीप्लाई का यूज करेंगे, डिवीजन करना है डिवीजन का यूज करेंगे, परसेंटेज निकालना है तो परसेंटेज का। तो वो आपके कैलकुलेशन पे डिपेंड करता है कि आपको किस तरह का कैलकुलेशन करना है। तो मैथमेटिकल ऑपरेटर आपका चेंज होता रहता है, वो डिपेंड करता है आपके कैलकुलेशन पर्पज पर। ठीक है, और इसको ABC क्या हो जाएगा आपका, सेल एड्रेस, क्या हो गया, सेल एड्रेस, तो वो भी चेंज होता है। मान लीजिए हमको A से G तक करना, तो A से G तक का सेल एड्रेस टाइप करेंगे, ये हो गया। तो हमने इंटर नहीं किया, हमने सेल एड्रेस लिख लिया, हमको सब करना है तो कुछ नहीं करना है, सेलेक्ट कर लेना है इसको, और उसके बाद ड्रैग करना है, क्या करना है, ड्रैग करना है, यहाँ पे माउस पॉइंटर रख के ड्रैग कर देना है नीचे तक जहाँ तक हमको ऐड करना है, और वो ये पूरा सेलेक्ट हो जाएगा और ऑटो फिल, ऑटोमेटिक ही सबका सेल एड्रेस फॉर्मूला इसमें ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। जैसे ही फिल हो जाएगा उसके बाद इंटर प्रेस कर दीजिए, ये सबका सब आपका यहाँ लिखा जाएगा। ठीक है, सबका सब यहाँ पे आपका लिखा जाएगा। ठीक है, सब आपका ऑटोमेटिक लिखा जाएगा। तो ये तरीका हुआ है क्रिएट करने का, फॉर्मूला कैसे क्रिएट होता है ये। अब ये हम लोग का इसमें फॉर्मूला इनबिल्ट भी है, तो किसी को क्रिएट करने नहीं आता तो हम लोग इनबिल्ट भी यूज कर सकते हैं, यानी कि डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। अब मान लीजिए हमको ई में सम करना है, इस पूरे का, ये पूरे का सम हमको ई में करना है, या मान लीजिए एक रो हमको और बढ़ा लेते हैं, सेल और बढ़ा लेते हैं, मान लीजिए हमको ये नंबर 5 बढ़ा लिए और इसका डाटा हमको इसमें सम करना है। तो क्या करेंगे, ऑटो सम करने के लिए पहले आपको सेलेक्ट करना होगा जिस सेल को, जहाँ जिस सेल से स्टार्ट करके जिस सेल तक का आपके डाटा को कैलकुलेट करना है उसको सेलेक्ट करना है। कैलकुलेशन आपका ऐड सबट्रैक्ट सब आता है, तो जिसको करना है उसको हम क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट करेंगे। मान लीजिए हमको A1 से लेके A4 तक का डाटा को क्या करना है, ऐड करना, तो हम क्या करेंगे इसको सेलेक्ट कर लेंगे, माउस से ड्रैग करके सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद अब जब ऊपर जाइएगा होम टैब में, तो सबसे लास्ट में राइट साइड के टॉप में आपका ऑटो सम का ऐसा सिंबल बना हुआ, या तो ऑटो सम लिखा हुआ या तो
समेशन का सिंबल बना हुआ रहता है, कैसा ऐसा सिंबल आपका बॉक्स में बना हुआ रहेगा या ऑटोसम लिखा होगा। इस पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा, जैसे ही क्लिक कीजिएगा आपका डाटा क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। क्या हो जाएगा डाटा आपका, सम हो जाएगा और सम होकर यहाँ पे लिखा आ जाएगा, ठीक है। फिर आप इसको भी सेलेक्ट कर लीजिए, इसका भी ऑटो सम हो जाएगा। तो ऑटो सम ईजी है, कुछ नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद आइए ऐड एंड रिमूव वर्कशीट, कैसे न्यू वर्कशीट ऐड करेंगे और कैसे रिमूव करेंगे। तो ऐड मतलब नया वर्कशीट कैसे ऐड करेंगे, आप लोग को पता है बाय डिफॉल्ट, आप लोग को पता होगा कि बाय डिफॉल्ट आपके एडिंग, आपके बाय डिफॉल्ट आप जब एक्सेल ओपन करते हैं तो बाय डिफॉल्ट आपको तीन वर्कशीट खुलते हैं। कितने वर्कशीट खुलते हैं आपके, तीन वर्कशीट खुल जाते हैं, ठीक है। तो जब भी ऐड होगा तो वर्कशीट नंबर फोर ऐड होगा, थ्री तो नहीं होगा, क्योंकि वन टू थ्री आपका बाय डिफॉल्ट पहले से ही ऐड होते हैं, ठीक है। वो आप अपने स्टेटस बार में देख सकते हैं, देखिएगा खोलिएगा तो आप गौर कीजिएगा स्टेटस बार में, सीट वन, सीट टू और सीट थ्री आपके बॉटम में नजर आएगा लिखा हुआ, ठीक है। तो जब भी ऐड करेंगे तो सीट फोर ऐड करेंगे। इसके ऐड करने का भी दो तरीका है, सॉरी तीन तरीका है ऐड करने का। पहला, आपने वर्कशीट खोल रखा है, उस वर्कशीट पे राइट क्लिक कीजिए, माउस से राइट क्लिक कीजिए, आपका खुलेगा इंसर्ट ऑप्शन, एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, उसमें इंसर्ट पे जाना है। कहाँ पे जाना है, इंसर्ट पे। इंसर्ट पे जैसे ही जाइएगा तो आपको ऑप्शन आएगा वर्कशीट इंसर्ट करने का, वर्कशीट इंसर्ट पे क्लिक कीजिएगा और लास्ट में ओके पे क्लिक कीजिएगा तो आपका न्यू वर्कशीट ऐड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, एक पहला मेथड। दूसरा, मैंने बोला कि आप जैसे ही वर्कशीट खोलते हैं, अपना एक्सेल खोलते हैं, तो स्टेटस बार में तीन वर्कशीट ऐसे ऐड होता है, सीट वन, सीट टू, सीट थ्री। सीट थ्री के बाद एक प्लस का सिंबल बना हुआ रहता है, क्या बना हुआ रहता है, प्लस का सिंबल। आप प्लस सिंबल पे भी, आप प्लस सिंबल पे भी ऐड करके अपना वर्कशीट को ऐड कर सकते हैं। आप यहाँ पे माउस पॉइंटर लीजिए, माउस ले जाइए, प्रेस कर दीजिए, इसे इस पर क्लिक कर दीजिए, आपका वर्कशीट नंबर फोर ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा, दो तरीका। तीसरा, होम ग्रुप पे जाइए, सेल ग्रुप पे क्लिक कीजिए, किस पे, सेल ग्रुप पे। सेल ग्रुप पे आपको इंसर्ट सीट, इंसर्ट रो, इंसर्ट कॉलम का ऑप्शन आएगा, डिलीट सीट, डिलीट रो और डिलीट कॉलम का ऑप्शन आएगा। हमको इंसर्ट सीट करना है वर्कशीट, हम लोग क्या करेंगे, इंसर्ट सीट पे क्लिक करेंगे और वो ऑटोमेटिक आपका वर्कशीट इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये तीन तरीके, तीनों से आपको कोई भी याद रहेगा तो आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करना, रिमूविंग वर्कशीट। रिमूविंग मतलब होता है डिलीट, कैसे डिलीट करना था, डिलीट करना सबको आता है, बहुत ईजी भी है। वर्कशीट ओपन है आपका, सबसे पहले क्या करेंगे, माउस से राइट क्लिक करेंगे और डिलीट ऑप्शन पर जाकर क्लिक कर देंगे, डिलीट हो जाएगा और आपको डिलीट करना है। तो क्या करेंगे, दूसरा ऑप्शन डिलीट करने का, वर्कशीट को सेलेक्ट करेंगे, कीबोर्ड पे डिलीट बटन होता है उसको प्रेस कर देंगे, डिलीट हो जाएगा आपका वर्कशीट। तीसरा ऑप्शन, वर्कशीट को, जिस वर्कशीट को डिलीट करना है उसको ओपन कर लीजिए, फाइल पे जाइए, होम ग्रुप में, होम ग्रुप में सेल ग्रुप में जाइए, सेल ग्रुप में जाकर वहां पर डिलीट वर्कशीट का ऑप्शन आता है, ठीक है। डिलीट वर्कशीट, डिलीट सेल, डिलीट रो का ऑप्शन आता है, आपको वर्कशीट डिलीट करना है तो डिलीट वर्कशीट पर क्लिक करेंगे, क्या हो जाएगा आपका वर्कशीट डिलीट हो जाएगा, ठीक है, ये तीन ऑप्शन। अब आइए हम लोग सेविंग वर्कशीट, सेविंग भी आप लोग पढ़ते हैं, सेविंग कैसे करते हैं वो भी जानते हैं आपको। तो कोई डाटा आपने इंटर कर लिया, उसके बाद उस वर्कशीट को क्या करना है, सेव करना है। तो क्या करेंगे, फाइल पे जाएंगे, फाइल टैब पे जाएंगे, उसके बाद वहाँ पे सेव एज पे जाएंगे, सेव एज पे जैसे ही क्लिक करेंगे एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, डायलॉग बॉक्स में उसके बाद आपको जहाँ सेव करना है उस फोल्डर को सेलेक्ट करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से डेस्कटॉप पे करना है, डाउनलोड में करना है या डॉक्यूमेंट्स में करना है, डेस्कटॉप पे करना है, डेस्कटॉप पे माउस ले जाकर क्लिक करेंगे कर्सर को, उसके बाद नीचे आपका फाइल नेम लिखने का आता है सेव करने के लिए, उसमें अपना नाम, जिस नाम से सेव करना उस नाम को टाइप करेंगे और ओके कर देंगे, आपका फाइल सेव हो जाएगा। तो बाय डिफॉल्ट आपका एक्सेल का एक्सटेंशन क्या होता है, जैसे सब पेंट में हम लोग कोई फाइल सेव करते हैं एक्स वाई जेड डॉट पी एन जी आता है ना, तो एक्सेल का बाय डिफॉल्ट एक्सटेंशन होता है आपका डॉट एक्स एल एस एक्स। ये आप याद रखिएगा, एक्सेल का बाय डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है, फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, डॉट एक्स एल एस एक्स। आपने अपने नाम का ए बी सी से फाइल सेव किया, ए बी सी के बाद आपको लग जाएगा डॉट एक्स एल एक्स, ये लग जाएगा, इसे पता चल जाएगा देख के कि ये फाइल एक्सेल का है, ठीक है। आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में, नहीं सॉरी, आज का क्लास यहीं पे खत्म करता हूँ, ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो गया और नेक्स्ट क्लास में मैं इसका क्वेश्चन आंसर मटेरियल भेज दूंगा आपको पीडीएफ में। धन्यवाद।